राधे राधे दोस्तों। तो घर की पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर। और आज शनिवार है और पूर्णिमा है, तो चलिए हनुमान जी को आज चोला चढ़वा देते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर, राधे राधे। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और हस्बैंड जी पहले ही पहुंच गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ। तो बथुआ उबाल के रख दिया है और जैसे ही दूध चढ़ाया उसके बाद लाइट चली गई। अब इन्वर्टर से तो है लाइट, लेकिन मिक्सी ज़्यादा लोड नहीं ले पाती है, मतलब इन्वर्टर ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, इसीलिए बथुए को पीसने के लिए थोड़ा इंतज़ार करती हूँ। तो बथुआ पीसने जा रही थी, लाइट चली गई। चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और खीर भी देखिए हो गई है, तो इसमें कस्टर्ड डाल देती हूँ तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी स्वादिष्ट खीर बनती है। और आज त्यौहार है, मतलब पूर्णमासी है, तो लाइट भी नहीं है। और आज लाइट की कटौती, मतलब 4-5 घंटे तक लाइट नहीं रही। फिर मैंने बथुए को जो है चॉपर में ही चॉप कर लिया, उसमें भी अच्छे से बढ़िया पिस गया था। और इधर देखिए खीर अपनी बिल्कुल बन गई है। अब इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड, जो 2 चम्मच मैंने दूध में घोला था, वो मिला देंगे तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और मतलब फ्लेवर भी और भी अच्छा आ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। Thank you.
तो चॉपर में भी बथुआ और पालक अच्छा मतलब पिस जाता है, कच्चा भी बिल्कुल जो है अच्छा महीन चॉप हो जाता है, और उबला हुआ तो बिल्कुल ही मैश हो जाता है। तो आज लाइट भी आई नहीं और 3-4 घंटे तक लाइट नहीं रही, कहीं कटौती थी। अपने यहाँ ज़्यादातर फेस्टिवल पे बहुत जल्दी लाइट चली जाती है, नई बात नहीं है ये। तो देखिए बथुए का भी आटा बढ़िया लग गया, और हमारे अगल बगल मकानों में काम चल रहा है, मतलब कि मकान वगैरह बन रहे हैं, तो उनकी भी जो है मतलब उनका भी आवाज़ सुनाई देता है, साउंड दिन भर शोर रहता है। पूड़ी का आटा और ये बथुआ की कचौड़ी का आटा काट ली है, धनिया डालना है, और फटाफट हम निकालते हैं पूड़ियाँ। तो पहले भगवान की थाली निकालते हैं, फिर सबको खिलाते हैं खाना। और देखिए सब्जी भी बन गई है, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और बिना प्याज लहसुन की भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। भोग बना लिया है, अब भगवान को भोग लगा देते हैं। खाना लगाऊं क्या? Thank you.
बनाई है मैंने, पूरी खानी हो तो पूरी भी ले ली। तो ये कढ़ाई मैं मेले से लेके आई थी, इसीलिए मैंने आज इसमें पूड़ियाँ बना ली है। और ये हंडी भी मेले से ख़रीद के लाई थी, तो मैंने कहा आज अच्छा दिन है और चलो मीठा भी बनाना है, तो हंडी में मैंने खीर बना ली।